वीकेंड के वार पर भी प्रतीक और करण के बीच में हुई बहस, जहां पर करण ने ये तक कहा कि आज के बाद से मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगा कि कोई मुझे प्रतीक का मेंटोर समझे। आखिर क्या है पूरी खबर, चलिए मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। हेलो एंड हाय एवरीवन, दिस इज केशवी एंड वेलकम टू अचानक। जी हाँ, प्रतीक सहजपाल और करण कुंद्रा के बीच में जो घमासान युद्ध चल रहा है, जी हाँ युद्ध ही कह सकते हैं, क्योंकि जब से टास्क की शुरुआत हुई है बिग बॉस के घर में, तब से इन दोनों के बीच में जो है कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर जो है डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं, दोनों लड़ते रहते हैं आपस में। एक बार मतलब कह सकते हैं कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़े हुए हैं। वेल, अब मैं आपको बता दूँ कि घर में जो है पानीपुरी टास्क चल रहा था, और यहाँ पर जब प्रतीक सहजपाल की बारी आई तो उन्होंने कहा कि मैं दो लोगों को ये पानी पूरी खिलाना चाहता हूं जो कि जहर वाली पानी पूरी है, और पहला नाम उन्होंने करण कुंद्रा का लिया, तो वहीं दूसरा नाम उमर रियाज का लिया, क्योंकि ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं और प्रतीक सहजपाल की उमर रियाज के साथ में भी बिल्कुल नहीं बनती है और करण कुंद्रा के साथ में भी बिल्कुल नहीं बनती है। तो यहाँ पर जो है इनका नाम लेते हुए करण कुंद्रा को बुलाते हैं और कई सारे जो है आरोप लगाते हैं करण कुंद्रा पर, और कहते हैं कि ये जिस तरीके से चीज़ें करते हैं वो बहुत गलत होती है, जिस तरीके से फिजिकल हो जाते हैं वो बहुत गलत होता है। तो वहीं करण कुंद्रा भी ये चीज़ें कहते हुए नजर आते हैं कि आज के बाद से मैं नहीं चाहूँगा कि लोग मुझे इसका मेंटोर समझे, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि ये पहले से ही इन दोनों की दोस्ती काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, और बिग बॉस में आकर इन दोनों की दोस्ती जो है वो बिगड़ गई है, जहां पर स्टार्टिंग में भी प्रतीक सहजपाल ने ये बताया था कि करण कुंद्रा के मेंटोर है और किस तरीके से वो करण को फॉलो करते हुए जो है चीजें बताते थे। वेल, हाल फिलहाल इन दोनों की जो फ्रेंडशिप थी वो दुश्मनी में कन्वर्ट हो गई है। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये दुश्मनी कहाँ तक जाती है। पर आपकी क्या रिएक्शन है इसको लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। बिग बॉस से रिलेटेड तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।